व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाम पसार। वृंदावन के किसी साधु से किसी रसिक से भजन पूछोगे क्या करते हो, तो बस यही कि वृंदावन में रहना और राधे राधे कहना। उस धाम की अपनी महिमा है जहां चलत फिरत सुनियत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, और ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबका। जब तक जीव को करना पड़े तब तक विश्राम कैसा, जब तक भजन करना पड़े तब तक विश्राम कैसा। जहां भजन करना नहीं पड़े, जहां स्वभाव से भजन हो, विश्राम वहां मिलता है। कुछ करते करते कभी किसी को विश्राम मिलता है? काम खत्म होता है तो आराम आता है ना, काम करते करते तो आराम किसी को भी नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। जब काम समाप्त हो, जब क्रिया समाप्त हो, भले वो भजन की क्रिया भी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा सावधान होकर समझना, मैंने कहा भजन की क्रिया समाप्त हो, तो उसमें मैंने भजन समाप्त होने को नहीं कहा, भजन की क्रिया समाप्त हो, माने भजन करना नहीं पड़े, भजन होने लगे। श्वास श्वास सिमरो गोविंद। और कल मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था कि किसी के सुख में सुखी और दुख में दुखी आप तभी होते हैं या हो सकते हैं जब आपका उससे अपनत्व हो, ममत्व हो, संबंध हो। ठीक उसी प्रकार विशुद्ध भक्ति के स्वरूप के आस्वादन के लिए, अर्थात श्री ठाकुर जी के सुख में सुखी होने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है कि भगवान से ममत्व हो, ठाकुर जी अपने हों। और ठाकुर जी वृंदावन से बाहर कहीं किसी के अपने हुए नहीं, कभी होंगे नहीं। अगर उनको अपना करना है, अगर उनके साथ कोई संबंध स्थापित करना है, वृंदावन से बाहर भगवान के साथ केवल एक ही संबंध स्थापित हो सकता है, और वो है केवल दास का और स्वामी का। लेकिन जहां आप उनको गोद में बैठा सकते हो, जहां आप उनका कान मरोड़ सकते हो, जहां प्रेम से आप उनको गाली दे सकते हो, जहां पर आप उन पर अधिकार जमा सकते हो, ऐसा संबंध तो आपको वृंदावन धाम की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान किसी भी अवतार में अवतीर्ण हुए, वो तत्व एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। वो कभी किसी भी रूप में आए हो, लेकिन असाधारण अधिकार उनकी भगवत्ता पर केवल ब्रजवासियों को ही प्राप्त हुआ है, भले वो कहीं पर भी आए हों। आपने कभी सुना कि राम जी को किसी ने प्रेम से गाली दी हो? कोई नहीं दे सकता, प्रकृति कोई स्वीकार नहीं है। और हमने कोई ब्रजवासी ऐसा नहीं देखा जो कन्हैया को बगैर गाली दिए बात करता हो। और यहां का ठाकुर तो ऐसा विलक्षण है, परमानंद दास जी हुए अष्टछाप के कवियों में से एक कवि है, बड़ी सुंदर वाणी है उनकी। उनके पद में एक पंक्ति आती है, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बोले आज ठाकुर की छवि देखो, पिल्ला के साथ खेल रहे हैं और पिल्ला घेर के पकड़ के ले आए जसोदा मैया के, देख देख मैया आज का पकड़ के लाए हूं। ऐसी छवि छटा आपको कहीं नहीं मिलेगी जो वृंदावन के रस रसिक देखते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बाजत पैजनी पीरी पिछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथ ते ले गयो माखन रोटी। धूर भरे अति शोभित श्याम जू। अच्छा, ये वृंदावन की रज की महिमा है, इसको ठाकुर जी आभूषण की तरह अपने श्री अंग पर धारण करते हैं। क्यों? भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान ने जाने कहां कहां अवतार लिया, कहां कहां खेले, लेकिन रज की महिमा की जब बात आती है, जब रज की बात आती है, तो ब्रज रज की बात ही क्यों आती है, वृंदावन रज की बात ही क्यों आती है?
क्योंकि वृंदावन की रज वो रज है जिस पर हमारी किशोरी जी नंगे पांव चलती है, इसलिए वो ठाकुर जी की आराध्य है। ठाकुर जी मस्तक पर धारण करते हैं। जब लाला ने माटी खाई ना, तो बहुत बहुत संत इसके बहुत बहुत अर्थ लगाते हैं। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड मुख में है तो मिट्टी को सब लोग बिल्कुल निरर्थक जानते हैं, निरर्थक समझते हैं, तो ठाकुर जी ने उसको भी अंगीकार किया। किसी ने कहा कि सब भक्तों का भाव, भक्तों की चरण धूलि ठाकुर जी ने अपने मुख में डाली। पर वृंदावन के रसिकों की दृष्टि और है, बोले नित्य विहार में, नित्य निकुंज महल में तो श्री ठाकुर जी का नित्य किशोर रूप है। अब एक 16-17 वर्ष का युवक हो, वो माथे पर धूल लगाए तो समझ में आता है, मिट्टी खाए तो समझ में नहीं आता, ये उसकी अवस्था के अनुरूप अनुकूल नहीं है। लेकिन जब ठाकुर जी बालकृष्ण होकर आए, जसोदा मैया के आंगन में डोलते हैं, तो ठाकुर जी ने कहा ये मौका बड़ा अच्छा है, ये तो प्रिया जी के चरण रज है, इसका तो आस्वादन करना चाहिए। अब तक तो केवल मस्तक पर लगाने को मिलती थी, निकुंज महल में तो सखियों के सामने केवल मस्तक पर धारण कर सकता था, पर आज बालक मिट्टी खाए तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ठाकुर जी ने मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में रख लिया। जहां की रज प्रेम है, जहां की वायु प्रेम है, जहां की लता पता प्रेम है, जहां की कुंज निकुंज प्रेम है, जहां की धरा प्रेम है, जहां का अंबर प्रेम है, जहां का ठाकुर प्रेम है, जहां की भक्ति प्रेम है, जहां की शक्ति प्रेम है, ऐसा वृंदावन धाम और ऐसे वृंदावन धाम की रज, उसको श्री ठाकुर जी अपने मुख में धारण करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं। और जब इतने से संतोष नहीं होता तो धूर भरे अतिशोभित श्याम जो लोट लगाते हैं। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन के गुणन सुन हित सौरज में लोट, जिहि सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सत को। वृंदावन के गुणन सुन हित सो रज में लोट, जी सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सत को। जिसकी जिस यहां की रज में लोट लगाने के सुख की तुलना समता कोटि कोटि मुक्तियां नहीं करती, ऐसा वृंदावन धाम है। एक बार उच्च स्वर से जय घोष करो, श्री वृंदावन धाम की जय, राधावल्लभलाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय, समस्त संत भक्तन की जय। और एक बार वृंदावन धाम और हमारे प्यारे श्यामा श्याम की जय भी मेरे साथ में बुलाओ। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्याम, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री सबके केली कुंज कोटि कोटि काशी, सबके केली कुंज कोटि कोटि काशी, यमुना में जगन्नाथ रेणु का मेरा ईश्वर, यहाँ वहाँ पड़े में अयोध्या के वासी है, यहाँ पड़े में अयोध्या के वासी है, गोपियों के द्वार द्वार
लेके करेंगे स्वर्ग वर्ग सुख लेके करेंगे कहा जानते नहीं हो हम तो वृंदावन वासी जय वृंदावन 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 देखो भाई होली खेलनी है तो ब्रज में तो चलना पड़ेगा ना यहां भले कुछ भी हो जाए पर एथे वो नजारा नहीं मिलना इसलिए हृदय खोल के सब कहो जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन 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 जय जय वृंदावन राधा वल्लभ
वृंदावन